many pieces up back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोप एक्ट के बारे में। कोप एक्ट है क्या और इसको जो है क्यों लागू किया गया है आप लोगों के बीच, हमारे बीच। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं वीडियो काफी टाइम बाद जो है अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से पहले आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अगर कोपा टाइप करते हैं तो कोपा के लिए आपको इतनी वीडियोज मिल जाएंगी जो 2-3 दिन के अंदर इतनी अपलोड हो चुकी है। आपको शायद सारी जानकारी वहां से मिल भी सकती थी, लेकिन मैं आपके लिए एक बेसिक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो शायद आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप ये जो है कोपा एक्ट को लागू नहीं करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके चैनल को जो है आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो ये चीज आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, कोपा एक्ट है क्या और इसको क्यों लागू किया गया है आपके चैनल के अंदर। तो वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोपा एक्ट होता क्या है और इसको जो है एक्ट लगाने के पीछे क्या मतलब है इनका। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोपा चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक इनका एक इन्होंने नियम लागू किया हुआ है। ये वैसे तो यूट्यूब वाले खुद भी इसको मैनुअल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि चैनल पे इतनी वीडियोज हैं, उनको उनका मशीन लर्निंग ये तय नहीं कर सकता कि कौन सी वीडियो मेड फॉर किड्स है या फिर कौन सी वीडियो नॉट मेड फॉर किड्स है। तो वो चैनल ने आपको रिव्यू करने के लिए दिया गया है कि अपनी वीडियोज को आप जो है रिव्यू कीजिए और उसको ये देखिए कि कौन सी वीडियो आपके लिए मेड फॉर किड्स है या फिर नॉट मेड फॉर किड्स है। एक ऑप्शन उन्होंने ये दिया है, तीसरा ऑप्शन, कि आप पूरे चैनल पे आप ये कर सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी का जो भी चैनल है, जैसे आपका गेमिंग चैनल हो गया, टेक्निकल चैनल हो गया, कॉमेडी चैनल हो गया, तो उसमें आपको ये देखना है जो भी आपकी वीडियो है, क्या आपकी वीडियो मेड फॉर किड्स है या फिर आपकी वीडियो नॉट मेड फॉर किड्स है। एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ये दिया गया है कि आप अपने जो है चैनल के वीडियोज को सारे को रिव्यू कीजिए, उसमें आपको जो है तय करना है कौन सी वीडियो आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर कोई भी वीडियो होगी आपके चैनल पे, अगर कोई भी वीडियो मान लीजिए आपकी मेड फॉर किड्स है, तो उसपे अगर एड्स लगेंगे तो वो उनकी एड्स की जो क्वालिटी या फिर जो उनकी वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो आपके उस वीडियो पे कोई भी एड्स ऐसा नहीं होगा जो आपके टेक्निकल चैनल से रिलेटेड हो। और बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में शायद नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बेसिक सा जो फंडा है वो समझाने का ये है कि ये जो एक्ट है ये क्यों लागू किया गया है और आपसे आपको इससे कैसे बचना है, कैसे अपने जो है चैनल का रिव्यू करना है, आपको कैसे अपनी सारी वीडियोज को चेक करना है। उसमें आपको ये तय करना है कि कौन सी वीडियो आपकी जो इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आती है, जिस कैटेगरी का चैनल आपका है, क्या उस चैनल के अंदर आपकी जो वीडियो है वो मेड फॉर किड्स है या फिर नॉट मेड फॉर किड्स है। या फिर थर्ड ऑप्शन आपका आता है कि आपके अपने चैनल पे सारी जितनी भी वीडियोज है उनको सारी को नॉट मेड फॉर किड्स आप कर सकते हैं या फिर एक एक को आप जो है चेक कर सकते हैं। इससे बढ़िया आप ये है कि आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, उसमें आपको अगर कोई भी ऐसा वीडियो आपको लगता है कि हाँ ये मेड फॉर किड्स है, या तो उसको डिलीट कर दीजिए या उसको हाइड कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए, या फिर अपनी हर वीडियोज को आप चेक करके उनको जो है मेड फॉर किड्स या नॉट मेड फॉर किड्स आपकी कैटेगरी के चैनल के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे वीडियो में और मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे चैनल पे जाके अपनी वीडियोज का जो है रिव्यू कर सकते हैं और कैसे अपने कोपा चैनल एक्ट से आप जो है बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये अभी नहीं किया तो आपके चैनल को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जो है कोपा एक्ट को लागू करना चाहिए अपने चैनल के अंदर और सारी वीडियोस का रिव्यू करके ही अपने चैनल को जो है एक्टिव करना चाहिए। तो काफी बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को जो है सारे जो है जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो सबके लिए लागू हो चुका है। तो 7 जनवरी से ये अपडेट लागू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे लोगों से यही कहूंगा, आप अपने जो है चैनल पे जाइए और रिव्यू कीजिए। मैं आपको जो है छोटा सा एक रिव्यू दिखा देता हूँ अपने चैनल पे जाके, अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके कैसे जो है आप अपने चैनल का रिव्यू कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को कैसे जो है आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं अपनी वीडियोस का। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा जानने के लिए मैं आ गया हूँ अपने जो है वाइट स्टूडियो में और आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे मेरा होम पेज है और मैं आ गया हूँ आप लोगों को बताने कैसे जो है कोपा वर्क करता है और आपको कैसे जो है रिव्यू करना है अपने चैनल का, कैसे अपने चैनल की वीडियोज को जो है आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल है आपको चेक करना है, आपको रिव्यू खुद करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा आपको कैसे क्या करना है।
सिंपली आप यहाँ से कोई भी वीडियो ले लीजिए। मान लीजिए मैं अपनी सबसे पहली वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो है राइट पे सबसे टॉप पे दिख रहा है ये पेंसिल का आइकन, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके चैनल का पूरा रिव्यू यहाँ आ जाएगा, जो भी वीडियो है आपकी, वीडियो की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आपको जाना है सेकंड ऑप्शन में एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑडियंस, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई है, आप यहाँ पे सिंपली इसको पढ़ लीजिए अपने चैनल के रिगार्ड, अपने चैनल के हिसाब से, क्योंकि आपका चैनल किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी के जो है व्यूअर्स आपकी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरा चैनल है टेक चैनल, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे कर भी सकता हूँ, अगर मेरा यहाँ करने का मतलब सिर्फ यही है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी वीडियोस पे एड्स नहीं आएंगे, बहुत कम चीज़ें मेरे चैनल पे एड्स वर्क करेगी। अगर मैं यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे चैनल पे सारे एड्स दिखाई देंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो डू यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस। तो यहाँ पे मैं अंडर 18 को इसको जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट मोड पे कर देता हूँ, तो मेरी वीडियोज़ को अंडर 18 वाले नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो अगर ऐसी हुई कि जिसको अंडर 18 नहीं देख सकते हैं तो मुझको यहाँ पे ये लिखना होगा येस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, तो इसको मैं यहाँ पे यस करूँगा। लेकिन मेरी वीडियो ऐसी है कि उसको कोई भी देख सकता है, मेरी वीडियो में ऐसा कोई गलत कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो लिखा हुआ है अगर ऐसी आपकी वीडियोज हुई तो आपकी वीडियोज को जो है मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा एज रिस्ट्रिक्टेड मोड पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको जो है आपकी कैटेगरीज के हिसाब से, अगर आपकी ऐसी कोई वीडियोज है उसको आप जल्दी से हटा दीजिए उसको, या फिर नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली नो कर देता हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इन दोनों चीज़ का सेव करने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद आपको ये चीज़ यहाँ पे ऑडियंस वाली चीज़ ये आपको यहाँ पे नो करनी है, किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, क्योंकि यहाँ पे यस करने पे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका चैनल का जो भी वीडियो आपकी मोनेटाइजेशन है वो आपका यहाँ पे जो है डिसेबल कर दिया जाएगा अगर उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट मिला दो। दूसरा ऑप्शन ये है यहाँ पे, आपको ये भी नो कर देना है, आपकी कैसी भी वीडियो हो आपको फिर नो पे रखना है। अगर आपकी वीडियो ऐसी है कि आप बच्चे देख सकते हैं तो उसको यस कर भी सकते हैं, लेकिन उस पर ऐड नहीं वर्क करेंगे तो उसका वीडियो पे मोनेटाइजेशन नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पे नो डोंट रिस्ट्रिक्ट पे आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स बस यही था इस वीडियो में कोपा एक्ट के बारे में, कैसा क्या एक्ट है, कैसे वर्क करता है और ये क्यों लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स बस यही था इस वीडियो में, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने चैनल का रिव्यू जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके चैनल को काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स बने रहे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।